क्वालिटी में क्या क्वालिटी मैं सोच ये चाली और बिल्ली को मिलेगी और ये फुटपाथ पे। मीरा भाईंदर में कचरे के वर्गीकरण की बढ़ती समस्या की वजह से जनता बेहद परेशान है। इसी मुद्दे को लेकर 146 ओला माजीवड़ा विधायक प्रताप सरनाईक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, जिसमें उन्होंने कचरे के व्यवस्थापन और वर्गीकरण को लेकर कई मुद्दों पर बात की। कचरे की समस्या को लेकर विधायक प्रताप सरनाईक ने आखिरकार क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और खासकर राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब को बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं कि मीरा भाईंदर की जो कचरे की समस्या है वो खत्म करने के लिए उन्होंने 150 करोड़ की निधि इस मीरा भाईंदर महानगर पालिका क्षेत्र के कचरा प्रकल्प के लिए उपलब्ध करके दी और उसमें से हम दो प्रकल्प कर रहे हैं जिसकी वजह से गीला कचरा और सूखा कचरा जो अलग अलग हो जाएगा और उसका जो भी प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया होगी। साथ में 20 टोगो वैन हम लोग ले रहे हैं, वो टोगो वैन के माध्यम से गीला कचरा जो है उसमें डालने के बाद तुरंत 7 दिन के बाद में जो खत है वो मिलेगा और वो खत का विनियोग हम महानगर पालिका क्षेत्र में फूल पौधे और जो गार्डन्स है वो गार्डन को वापर सकेंगे। कुछ तो इतना खत ज़्यादा पैमाने पे उपलब्ध होगा कि प्राइवेट सोसाइटी के गार्डन में भी हम वो महानगर पालिका के माध्यम से मुफ्त दे सके या शायद महिला बचत गट जो हमारी है महिला बचत गट के माध्यम से 1-1 किलो 2-2 किलो की बैग हम उनको बना के वो भी लोगों को बेच सकते हैं, ऐसा हमारा एक हमारी विचारधारा और उस माध्यम से हम खर्चा कर रहे हैं। तो ये 20 टोको वैन हो गई और साथ ही में हर सोसाइटी हर इमारत और हर चाली में हम लोग दो दो डस्टबिन दे रहे हैं, जो गीला कचरा अलग होगा सूखा कचरा अलग होगा। साथ ही में हम जो फुटपाथ है वो फुटपाथ पे भी कचरा होता है, जिस जगह पे ज़्यादा कचरा जमा हो जाता है उन लोगों के लिए वो कचरा डिब्बे में डालने के लिए वो स्टील की ये लगा देंगे हम लोग डस्टबिन फिक्स कर देंगे ताकि लोगों को जन जागृति हो जाए और लोग उसमें कचरा डालें। और दो प्रकल्प हम ऐसे निर्माण करें कि जिसकी वजह से मीरा भाईंदर का कचरे की जो समस्या उस के ऊपर थोड़ी सी बहुत ही कम कचरा होगा, जिसकी वजह से डोंगरी जो उत्तन का डंपिंग ग्राउंड है उसमें जो कचरा सब जाता है तो कम हो जाएगा और उत्तन वासियों को डोंगरी वासियों को जो तकलीफ होती है वो तकलीफ दूर हो जाएगी। खासकर मेरा यही कहना है कि आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता दूत बन के पूरे दुनिया में अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा रहे और भारत की जनता भी कोशिश कर रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छता हमारे घर में होगा। अगर हम हमारे घर के अंदर का शौचालय अच्छी तरह से रखते हैं तो हमारा कचरा जो है वो भी कूड़े में डालना उनका फर्ज बनता है। तो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि ओला माजीवड़ा विधानसभा मतदार संघ का जो मीरा भाईंदर का क्षेत्र है और ठाणे का क्षेत्र है उसके लिए ये जो निधि शासन के माध्यम से मिली है उसका विनियोग अच्छी तरह से हो जाए। और साथ ही में मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मीरा भाईंदर और ठाणे शहर के ऊपर बहुत ही ध्यान दिया और एक कचरे का प्रकल्प ज़्यादा से ज़्यादा कैसे शहरवासियों के हित के लिए हो ये इसकी उन्होंने कोशिश की और मुझे उन्होंने वैसे निधि की उपलब्धता करके दी। साथ ही में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, गांधी जयंती के अवसर पे हम हर सोसाइटी चाली को जो डस्टबिन दे रहे उसमें ही वो कचरा गीला और सूखा जो है अलग अलग कचरे डालना चाहिए हमारा ये कहना। उस माध्यम से हमारे पदाधिकारी हर सोसाइटी और चाली में जाएगा और जन जागृति करने की कोशिश करेगी। एक बात सही है कि लोगों में जितना हो सके उतनी जन जागृति होनी चाहिए उतनी नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाए और अपना पार्टिसिपेट वो लोग ले पाए। सर आपकी योजना अच्छी है लेकिन जब अमल की बात आती है तो हो नहीं पाता, अधिकारी मनपा उसके ऊपर अमल पूरी तरीके से कर नहीं पाती। दूसरा सवाल ये मेरा कि इसी सफाई से रिलेटेड जनता का टैक्स के पैसे से गीता जैन ने 10 कॉबलर मशीन यानी सफाई यंत्र दी थी, वो आज मार्केट से गायब है। इस तरीके की स्थिति आपके भी इस प्रोजेक्ट की ना हो इसके लिए आप क्या उपाय योजना करने वाले हैं?
देखिए, मैं लोक प्रतिनिधि के तौर पे अभी तक जो जो प्रोजेक्ट मैंने किया है वो सक्सेस करके दिखाया। 15 साल से मैं इस शहर का लोक प्रतिनिधि हूँ और 15 सालों में बहुत ही जितने हो सके मीरा भाईंदर शहर ने सोचे नहीं थे उतने ज़्यादा विकास के प्रकल्प में लेके आया। मीरा भाईंदर शहर के लोगों ने कभी कैशलेस हॉस्पिटल का सपना नहीं देखा था, वो पूरा कर दिया। मीरा भाईंदर शहर के लोगों ने कभी ऑडिटोरियम का सपना नहीं देखा था, वो पूरा हो गया। मीरा भाईंदर शहर के लोगों ने बाला साहब ठाकरे कला दालन का निर्मिति का प्रस्ताव जो मैंने रखा था उसके बारे में सोचा नहीं था, वो भी कर दिया। तो लोक प्रतिनिधि के तौर पर कुछ हर चीज़ में तकलीफें आती रहती हैं, मगर वो तकलीफों को दूर करके हम आगे जाना चाहिए। और ये प्रकल्प देखिए, लोक प्रतिनिधि के तौर पे मेरी जिम्मेदारी है, मैं महानगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारियों को वो चीज़ राज्य शासन के माध्यम से उपलब्ध करके दो। लोक प्रतिनिधि का सुबह शाम जाके ये मेरा जो मैंने संकल्प लिया है या जो मैंने टोगो बैन दिया है, मैंने डस्टबिन दिया है, मैंने जो कचरे प्रकल्प के लिए पैसा है, तो वो सुबह शाम तो मैं देखने जा नहीं सकता है। तो ये अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है, उन्होंने इसके ऊपर अमल करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। मगर एक बात सही है कि थाने में टोगो बैन की संकल्पना जो है बहुत ही अच्छी तरह से निभाई जा रही है और अच्छे प्रकल्प थाने में जो हम लेके आ रहे हैं वो अच्छी तरह से चल रहे हैं। मीरा भाईंदर भी शहर पीछे नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने ये प्रकल्प लाया। और 150 करोड़ रुपए की जो राशि होती है वो छोटी नहीं है, वो राशि के माध्यम से और मेरा अगर ओला माजरा विधानसभा मतदार संघ में अगर शून्य कचरे की मुहिम मैं गांधी जयंती के अवसर पर अगर कर रहा हूँ तो लोगों का प्रतिसाद भी मिलना उतना ही जरूरी है। सर, नगर सेवक निधि से इससे पहले भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था सोसाइटियों को डस्टबिन का, पर जो क्वालिटी थी वो इतनी खराब थी कि कहीं एक महीने में, कहीं दो महीने में और तीन महीने में तो हर डस्टबिन टूट गई, तो हमारी क्वालिटी कैसी रहेगी? मैं अभी देख लीजिए, नीचे तो वो आपको लेके आया हूँ, आप चेक कर लीजिए क्वालिटी उसकी। जैसे कि आपने सुना, मीरा भाईंदर में कचरे की समस्या हल हो इसलिए नया प्रकल्प शुरू करने की बात प्रताप सरनाइक ने की है। इस नए प्रकल्प के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहे MB Live से।